अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू ट्यूब में। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इमामी 7 ऑयल्स इन वन का रिव्यू। इमामी ब्रांड बहुत पुराना है और उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं। तो इसने आप एक अपना एक नया हेयर ऑयल लॉन्च किया है जिसमें बताया जाता है 7 ऑयल्स हैं, और वो 7 ऑयल्स क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर में यहाँ पे है कोकोनट, फिर इधर है आंवला, फिर आलमंड, फिर जोजोबा, फिर ऑलिव, फिर आलमंड, फिर ऑर्गेन, और फिर है वॉलनट। तो ये आलमंड आपको दो दो बार दिया हुआ है। तो इसका क्वांटिटी और प्राइस एक बार चेक कर लेते हैं। इसका जो प्राइस है वो 305 है। ऊपर में आपको यहाँ दिखेगा 305 और क्वांटिटी है 500 ml। तो ये मेरी कज़िन इस्तेमाल करती है, तो उसने बताया कि इसका जो रिव्यू है उतना अच्छा नहीं है, यानी ये आपके हेयर अच्छे से काम नहीं करता है। आपके हेयर में जो जो देना चाहिए मजबूती, शाइन, स्ट्रेंथ, वो नहीं देता है, और पहले की तरह ही बाल जीनो झड़ता है। जैसा पहले हेयर फॉल होता था ठीक वैसा ही हो रहा है। बस हाँ, एक चीज़ है कि हेयर में शाइन आती है, देखने में लगता है कि हेल्दी हो रहे हैं हेयर, पर हेयर फॉल का कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सभी का प्रॉब्लम होता है हेयर फॉल, क्योंकि जब हेयर ही नहीं बचेगा तो उसे सिल्क और शाइन कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है हमें अच्छे एंटी हेयर फॉल ऑयल लेने के लिए। तो हमने सोचा कि चल चलो इसमें 7 ऑयल्स है तो शायद ये काम करेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कोकोनट ऑयल करता क्या है। कोकोनट ऑयल हमारे एंटी डैंड्रफ है, और आंवला क्या करता है, बहुत अच्छा है आंवला वालों को गिरने से रोकने में और नए हेयर ग्रोथ में। आलमंड काम करता है पौष्टिक, मानी जो फूड दरकार होता है ना हमारे हेयर में, उसको ये आलमंड देता है। और ऑलिव ऑयल है, ये भी बालों को सिल्क एंड शाइन करता है। यही सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है। तो फ्रेंड, मेरे हिसाब से इसका जो होता है ना, विल आई परचेज दिस अगेन, जी नहीं, मैं ये फिर से परचेस नहीं करूँगी। क्योंकि एक बार से मुझे पता चल गया है कि ये उतना अच्छा ऑयल नहीं है, ये हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करता है। पर हाँ, अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो आप 2 घंटे पहले इस ऑयल को लगाकर फिर शैम्पू करके जा सकते हैं। उससे आपके हेयर जो है कंडीशन दिखेगी, सुलझी हुई दिखेगी। पर हेयर फॉल में एक काम नहीं करता, और डैंड्रफ में भी बहुत हल्का काम करता है। अगर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल देंगे, प्योर कोकोनट ऑयल, तो अच्छे से काम करेगा। इसमें क्योंकि बहुत थोड़ा अमाउंट में दिया है, क्योंकि 7 ऑयल्स देना है ना, तो खैर कोकोनट भी थोड़ा थोड़ा दिया होगा, तो इसलिए उतना अच्छा एंटी डैंड्रफ नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आप इस बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो बेशक कमेंट कर सकते हैं, हमें जानकारी देते हुए खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।